नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टीजेट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आज रामपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड हुआ, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। रामपुर में आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने 32 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसकी लागत 322 करोड़ है। साथ ही 17 परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया, जिसकी लागत 205 करोड़ है। इस दौरान जनसभा में काफी लोग भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी बोले कि 2019 में 73 से अधिक सांसद जिताकर भेजना है। कांग्रेस बसपा सपा की साजिश चल रही है, तभी ये एक होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, इसीलिए क्योंकि मोदी जी ने कार्य किया है। 2019 में हम मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सरकार में सभी वर्गों के लिए ईमानदारी से कार्य किया गया है। केशव जी बोले कि उन्होंने आज कश्मीर में आतंकवादियों का अंत करने का कार्य चल रहा है। पहले गोली चलाने के लिए दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब सीधी छूट है। अगर वहां से गोली चले तो आप सीधी गोली चलाओ और गोला भी चलाओ। केशव जी ने कहा कि हमारी सरकार में गुंडे जेल में ठूस दिए गए हैं और जवाबी कार्रवाई में उन्हें जाना चाहिए था, चले गए हैं, ये परिवर्तन है। केशव जी ने कहा कि जिन लोगों ने राम भक्तों के साथ अन्याय किया है, देश विरोधी ताकतों को मजबूत किया है, वो कैसे मोदी जी को बर्दाश्त कर सकते हैं। मोदी जी को जिताने का संकल्प ले, विरोधियों के साथ नेता होंगे लेकिन जनता नहीं होगी। केशव जी बोले कि सपा सरकार एक एक्सप्रेसवे की चर्चा करती है, उसमें जो घोटाला हुआ है उनकी जांच चल रही है, लेकिन वहां जो गांव आसपास बेस है उनके लिए रास्ता नहीं है। अब हमने फैसला किया है कि यूपी में 5 किलोमीटर तक हाईवे के जो गांव हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 1557 गांव चिन्हित किए गए हैं, जिनको 1114 करोड़ की राशि से उनको जोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। आजम खां और बिना नाम लिए बोले, यहां के मंत्री पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी में बना लिया है, ये भ्रष्टाचार है, उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अधिकारी जांच कर जल्दी इसकी रिपोर्ट शासन को भेजें, लेकिन कोई गलत करे और बच जाए ये संभव नहीं है, चाहे वो रामपुर में बैठा हो या दिल्ली में। समाचार टी जेड के लिए रामपुर से राहत अली की रिपोर्ट। जनसंख्या वाले गांव को बहुत सारे गांव छूटे हुए थे, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने ऐसे 1557 गांव को चिन्हित किया और चिन्हित गांव में 1114 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके उन गांवों को भी मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, पढ़ाई में अव्वल है, ऐसे बच्चों को हमने कहा उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 है उनके घर तक की सड़क बनाएंगे, उन बच्चों के हाथ उसका उद्घाटन कराने का काम करेंगे। मैं आप सबको बताना चाहते हैं, सारे काम तीव्र गति से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन इस प्रकार का खड़ा करना चाहते हैं, जिस परिवर्तन के बाद उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर भी आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। और भ्रष्टाचार पे लगाम यहाँ पे मुझे जानकारी दी गई कि यहाँ के सपा सरकार के एक माननीय जो मंत्री जी थे और उन्होंने पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी के अंदर बना लिया। आप पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों बनाइए, भ्रष्टाचार है कि नहीं है? आप कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको छोड़ना चाहिए क्या? छोड़ना चाहिए? मेरे जानकारी में यह भी दिया गया कि यहाँ उर्दू गेट है, कोई ऐसा छोटा सा बना दिया, कोई बस अंदर नहीं जा सकती, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए क्या? ये जनहित का कदम है क्या? सरकारी भवन एक कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे थे, उसे काले चक्का खुला दिया। ये जो सरकारी व्यवस्था का सरकार में हुआ, जो चाहोगी वो करोगे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आपने अपनी सरकार के समय में कुछ गलत किया, जनहित में किया, आप विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप जनहित में काम, स्वयं के हित में ज्यादा काम किए हो तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी किया जाएगा। और मैं यहाँ के जिले के अधिकारियों को आश्वस्त होकर कहेंगे।